हेलो अलैक बेटा आज हम लोग देखेंगे आज हम लोगों को देखना है पाईवेट चार्ट्स क्या होता है लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था पाइवेट शीट्स क्या होता है सॉरी uh, पाईवेट टेबल्स क्या होता है आज की क्लास में हम देखेंगे पाएट uh, टेबल से आप लोग एक चार्ट कैसे बना सकते हैं तो लास्ट टाइम की तरह मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है बिल्कुल सिमिलर टू द लास्ट टाइम तो जिस तरीके से लास्ट टाइम ये टेबल था जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को Uh, क्या बोलते हैं इसमें uh, मैंने थोड़ी सी फॉर्मेट ये ना इंक्लूड किया था डेटा जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के नाम हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग बेच रहे हैं प्राइस पर यूनिट देके है हैं आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं और टोटल अर्निंग्स आप लोगों की क्या है तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर हम लोग कॉलम विथ यहाँ पर मैं आप लोगों को इन इंस, न्यू कॉलम कॉलम्स तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड कर देती हूँ लास्ट टाइम की तरह उसमें हम एरिया लिख देते हैं तो एरिया फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एरियाज़ लिख देती हूँ बड़गाम यहाँ पे पुलवामा यहाँ पे अनंतनाग यहाँ पे जम्मू यहाँ पे श्रीनगर यहाँ पे अशमुकाम इसी तरीके से फिर से बड़गाम तो इसको हम कर देंगे कॉपी पेस्ट शिफ्ट कंट्रोल सी यहाँ पे वी कर देंगे यहाँ पे भी वी कर देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे बड़गाम और यहाँ पे स्ट्रीम कर तो ये देखिए ये ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है इस वाले जो इसकी है इसकी हम बैकग्राउंड थोड़ा सा येलो कर देंगे तो या इसकी हेडिंग आ गई तो अब हमें इसका पायवर टेबल बनाना है जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम पता था पावर टेबल बनाने के लिए हमें डेटा में जाना है और हम पिछली बार की तरह पाइवर टेबल क्रिएट कर देंगे यहाँ पे रेंज हमें देना है Uh, पहले हम अपना टेबल सेलेक्ट कर देंगे सारा और यहाँ पे डेटा में जाके समराइज विद विथ पाइवर टेबल तो ये दिखा रहा है आप लोगों को uh, किस तरीके से एफ तक हाँ एफ तक ऐसे लेके एफ तक मुझे करना है इसको ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों के फील्ड्स तो फॉर एग्जांपल मैं नेम और प्रोडक्ट के बारे में करना चाहती हूँ मैं देखना चाहती हूँ जो नेम है वो रोज़ में आए और कितने प्रोडक्ट्स ने बेचे हैं इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को देखने में आसानी हो या फिर इसको कॉलम्स में रखेंगे या फिर इसको भी रोज़ में रखेंगे सो दैट आपको पता चलेगा किसने कितने ये बेचे हैं तो अगर आप लोगों को ऐसी पाइवर टेबल के लिए एक चार्ट क्रिएट करना होगा ये बहुत ईजी है आप सिंपली पहले एक पावर टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन आ रहा है पाइव चार्ट इस पाइव चार्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप लोगों का एक चार्ट खुलेगा ये देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे तो सिंस यहाँ पे लेजेंड में कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ लेजेंड में नेम रख सकते हैं आप लोग प्रोडक्ट में वैल्यूज रख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए अशमुकाम में कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं ये आप लोगों को एक चार्ट की मदद से मिल रहा है तो इसी तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके इसमें चूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं रखना है आप लोगों को एरिया रखना है और आप आप एरिया लेजेंड में ले जाएंगे और एरिया में देखेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका है तो देखिए यहाँ पे आ रहा है मैं थोड़ा सा इसको कम जूम कर देती हूँ सो तो दैट हमें अच्छे से पूरा दिखे ये यह देखिए यहाँ पे राइट साइड को यहाँ पे आ रहा है कलर अश्मुकाम अनंतनाग बडगाम जम्मू पुलवामा श्रीनगर और ये ब्लैंक आ रहा है दैट मीन्स ये कुछ नहीं है ये बेसिकली ये छः कलर्स हैं अशमुकाम अनंतनाग बडगाम जम्मू पुलवामा और श्रीनगर और ये दिखा रहा है आप लोगों के टोटल जो आ, आ, ये हैं इसका ये कहाँ गया हम यहाँ पे देखेंगे पहले इसका पाए टेबल में प्लॉट एरिया ओके okay. तो ये दिखा रहा है किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है ओके okay? सॉरी uh, कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में कितना बिका है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों को दिखा रहा है ये टोटल दिखा रहा है टोटल प्रोडक्ट्स श्रीनगर अशमकाम में कितने बिके हैं सबसे ज़्यादा बिके हैं बडगाम में दैट मीन्स बडगाम का जो ये वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा है दैट मीन्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें बिके हैं तो आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कैटेगरीज के हिसाब से भी तो देखिए इस तरीके से बैग बुक बॉक्स ग्लाउ्स ऑयल पेन सैनिटाइजर टॉय तो इसी तरीके से भी आप दिखा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट्स यूनिट्स को आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बैग कितने बिके हैं बुक्स कितनी बिकी हैं बॉक्सेस कितने बिके हैं ग्लाउ्ज़ कितने ऑयल पेन कितने बिके हैं सैनिटाइज़र कितने बिके हैं और टॉय कितने बिके हैं और हर किसी कलर का अलग अलग आ रहा है तो बैग यहाँ पे देखिए सिर्फ ग्रीन कलर यानी कि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा बैग्स बिके हैं और जो दूसरी चीज़ है बडगाम में बडगाम में भी बैग्स बिके हैं और श्रीनगर में भी बैग्स बिके हैं इसी तरीके से बुक्स देखिए कहाँ कहाँ बिकी हैं एक तो अनंतनाग में बिकी हैं बहुत कम बहुत ज़्यादा कम और बड़गाम में बुक्स ठीक ठाक बिकी हैं और श्रीनगर में बुक्स बिकी हैं बॉक्सेस देखिए बॉक्सेस हमें सिर्फ दो जगह बिकी हैं एक तो अशमुकाम में बिकी हैं और पुलवामा में बिकी हैं तो इसी तरीके से बेटा आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं जिनको आप पाइवेट चार्ट्स बनाते हैं बोलते हैं लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले बेटा पाइवेट टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे तभी आप लोग उसी बेसिस पर पाइवेट चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं तो ये था आप लोगों का दूसरा पाइवेट टेबल्स के साथ प्राइवेट चार्ट्स का तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा नहीं आया होगा तो दोबारा देखिए फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगी आज की क्लास में इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे हाफिज़